लिस्ट में आपका नाम है? जी वोटर लिस्ट में नाम है। अच्छा, कहीं कोई आपका आधार कार्ड बना हुआ है? जी आधार कार्ड भी बना हुआ है। बस ठीक है, आप अपने नाम को, अपने माँ बाप के नाम को, अगर उनके लिए उनके पास कोई जमीन है, कभी खरीदारी की है, या इसके अलावा किसी और चीज में उनका कभी कहीं नाम है, तो उस नाम को अपने आधार कार्ड पर जो नाम है बिल्कुल उसके मुताबिक लिखवाइए। जी जी, स्पेलिंग की भी कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हजरत, अगर हमारे पास तो पहले जमीनें नहीं थी, अभी हाल फिलहाल में हमने खरीदी है कुछ जमीनें, तो उससे ठीक है वो भी, लेकिन जो नाम आपका आधार कार्ड पर है, वोटर लिस्ट के अंदर है, सारे नाम बराबर होने चाहिए, बिल्कुल उसमें कहीं कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जी हजरत जी, अगर फर्क होगा तो आपको इसका नुकसान का बोझ उठाना पड़ेगा, कहीं फर्क नहीं होना चाहिए। हजरत, ये सिस्टम घर के तमाम अफराद के लिए है ना? सबके लिए, आपके जितने बच्चे हैं उन बच्चों के नाम लिखिए कि इतने बच्चे हैं मेरे, इतनी बच्चियां हैं, और उनके नाम सही होने चाहिए। अगर वो पैदा हुए हैं किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर, तो उस म्युनिसिपैलिटी के वो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, नहीं है तो प्रधान का होना चाहिए कि फला तारीख ये बच्चा पैदा हुआ। जी हजरत, हजरत ये जैसे बहुत आसान है, ये मिल जाएगा आप। जी तो इसके लिए कोई शख्स बता रहे थे कि कोई फॉर्म चला है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कोई फॉर्म वार्म नहीं। आप ये हर आदमी अपने इसको अपना अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर के रखता है। हजरत, जिसके पास जमीन नहीं है, हमारे कुछ रिश्तेदार उनके पास कुछ भी जमीन नहीं सिवाय बचने के लिए, नहीं सवाल ये है कि उनका अगर पासपोर्ट है वो काफी है, उनका अगर नाम है वोटर लिस्ट के अंदर वो काफी है, अगर उनका आधार कार्ड है वो काफी है, उनके पास अगर ये जो मिलता है राशन कार्ड है वो काफी है, लेकिन हर जगह नाम उनका एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए जी, जी हजरत। उनके माँ बाप का नाम एक होना चाहिए। जी हजरत, जी हजरत, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। Thank you.